discuss about the conditions of the Mudarpa contract. There are many conditions. First condition is relevant to the offer and acceptance. इसका मतलब ये है कि जो ऑफ़र मैंने की है उसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. एंड सेकेंड कंडीशन इज़ रेलेवेंट टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डैट द पार्टीज इन्वॉल्व इन मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सेन, शुड हैव द डिस्क्रिमिनेशन अबिलिटी, शुड बी मैच्योर, शुड हैव लीगल एज. So these all are the conditions relating to the legal capacity of the Rabbul Mal and the Mudarib. So the religion is irrelevant according to majority of the school of law, but Maliki says that Mudarba jo hai wo jo hai usme jo hum partnership karte hain wo Jews or Christian ke saath nahi kar sakte. So these are the conditions. Number one is relating to the offer and acceptance. Number two is relating to the legal capacity of the contracting parties. And now we will discuss about the condition relating to the subject matter. Subject matter is जो आपका subject matter है मुदारबा का वो होना चाहिए cash में. हनाफी और हम्बलीस के मुताबिक ना cash में होना चाहिए. इसमें नॉन मोनीट बल्कि वो कह रहे हैं कि कमोडिटीज़ भी इसके अंदर नहीं आ सकती, कैश ही इसके अंदर आना चाहिए. ये कैश को प्रेफर करते हैं हनाफीज और हम्बलीज. लेकिन जो है ना इसकी रीज़न वो ये देते हैं कि अगर हम दूसरी कमोडिटीज़ या कोई और चीज़ लेते हैं तो फिर उसमें गरर आ जाता है, सर्टेनिटी नहीं आती. उसकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट पता होनी चाहिए ना. जब मैं कॉन्ट्रैक्ट शुरू करूं तो जो मैं कैपिटल दे रही हूं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो तो फिर ही प्रॉफिट जब कैलकुलेट होगा तो उसमें हेल्प होगी. लेकिन जब शुरू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैपिटल ही अनसर्टेन है, उसकी वैल्यू ही नहीं पता, तो फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में जो है वो झगड़े क्रिएट होंगे, झगड़े डिस्प्यूट्स आएंगे. तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो कैप सब्जेक्ट जो मैटर है ना वो सिर्फ और सिर्फ कैश होना चाहिए. बल्कि उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो फंजिबल आपकी नॉन मोनिटरी चीज़ें जैसे कमोडिटीज़ आ जाती हैं वो भी नहीं आनी चाहिए. इब्ने लैला जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, नॉन टेंजिबल चीज़ें भी आ सकती हैं, दूसरी कमोडिटीज़ दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं, आ सकती हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं. तो वो कहते हैं कि आप यूं करें कि इनकी एवेल्यूएशन करवा लें एक्सपर्ट से, वो उसकी वैल्यू निकालें उस चीज़ की, और वो जो वैल्यू होगी वो जो है वो कंट्रीब्यूशन होगी रबुल माल की इन कैपिटल के अंदर ना, वो रबुल माल का कैपिटल होगा, उसकी वैल्यूएशन जो है वही प्राइस होगी उसकी. फिर से एग्जांपल भी दी गई हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि रबुल माल कहता है कि मेरे पास कार्स हैं, फॉर एग्जांपल 15 कार्स हैं, ये कार्स तुम बेचो. मुदारिब को कहते हैं कि ये कार तुम बेचो, इसमें से जो पैसे आएंगे तो वो प्रॉफिट जो है वो दोनों शेयर कर लेंगे. फिर दूसरा केस है उसमें ये कहा जाता है कि नहीं, जो कार्स हैं उसको बेचो, बेच के जो पैसे आएंगे वो जो हैं वो कंट्रीब्यूशन है मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. तो इस वाली फॉर्म को जो है हनाफी और हम्बली ने परमिजिबल कहा है. हनाफी जिसे हमने पहले भी पढ़ा वो कैश को प्रेफर करते हैं, तो इस केस के अंदर भी कैश आ रहा है, कार्स को बेचकर जो पैसे आ रहे हैं वो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ हो रहे हैं. तो ये जो है हनाफी और हम्बली ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जबकि पिछली वाली एग्जाम्पल को एक्सेप्ट नहीं किया जिसमें 15 कार्स को बेचकर तो प्रॉफिट जो था वो रबुल माल और मुदारे में शेयर हो रहा था. लेकिन जो शाफीज़ हैं वो इन दोनों एग्जांपल्स को इनवैलिड कहते हैं. वो कहते हैं कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो है कैपिटल जो है वो अननोन है. कॉन्ट्रैक्ट मुदारबा करने के लिए ज़रूरी है कि जो हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कैपिटल की वो पता हो, शुरू वाले कॉन्ट्रैक्ट में पता हो कि क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी क्या क्या वैल्यू है. लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कैपिटल ही अननोन है, पता ही नहीं है कि उन कितनी कंट्रीब्यूशन है. तो इस वजह से दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इनवैलिड हैं. एओफी वाले जो हैं, एओफी वाले कहते हैं कि
जो है ना कैपिटल जो है वो कैश में होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरी फॉर्म के अंदर है तो वो एक्सपर्ट्स जो हैं, एक्सपर्ट्स कैन अवेलुएट द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी और दैट प्रॉपर्टी एंड दिस वैल्यू विल बी कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रब्बुल माल इन द कैपिटल. सो दिस विल कंसीडर द कैपिटल. बस बट दिस डेफिनेशन इज़ वेग. यू कैन से इज अ जनरल डेफिनेशन एज दिस डेफिनेशन डज नॉट क्लियर अबाउट वेदर द एसेट शुड इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट और वेदर देयर वैल्यू शुड बी इंक्लूड इन द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट. तो इस जो एओफी की जो डेफिनेशन है वो जनरल है. तो उसके अंदर फिर सारे आ जाते हैं, हनाफी और हम्बली जो कि शुरू से ही कैश को प्रेफर करते हैं वो भी आ जाते हैं. और इस तरह फिर अगली जो कंडीशन है, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो इज़ रिलेटिंग टू द रिसीवेबल्स. रबुल माल फॉर एग्जाम्पल, रबुल माल हैज़ गिवन सम कैपिटल इन दैट फॉर्म टू द मुदारिब एंड आफ्टर वर्ड दे से दैट दैट अमाउंट विल बी द शेयर ऑफ द रबुल माल इन द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज़ नॉट वैलिड. अगर रबुल माल ने मुदारिब से कोई पैसे लेने हैं और बाद में वो कहे कि जो मैंने पैसे तुमसे लेने हैं वही मेरी कंट्रीब्यूशन है मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये वैलिड नहीं है. और सेकंड कंडीशन, अनदर कंडीशन रिलेटिंग टू रिसीवेबल इज़ दैट इफ़ एनी थर्ड पार्टी फ्रॉम विच रबुल माल हैव टू टेक द डेट अमाउंट रिटर्न एंड इट इज़ नियर टू मिच्योर देन दिस अमाउंट कैन बी पार्ट ऑफ द मुदारिब कॉन्ट्रैक्ट. अगर रबुल माल ने किसी को पैसे किसी तीसरी पार्टी को पैसे दिए हुए हैं उधार पे और वो अब उसने लेने हैं और वो करीब हैं, मिच्योरिटी डेट भी करीब है, तो फिर उस अमाउंट को मुदारिब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडर किया जा सकता है. सो दीज आर द कंडीशन रिलेटिंग टू द रिसीवेबल्स. And there are also some conditions relating to the supervision of the mudaraba contract. As Rabul Mal will provide the capital and the mudari will provide the skills or labor. So Rabul Mal cannot take participation in the mudaraba contract. So what he can do, he can just monitor or supervise in the business affairs which are running by the mudari, but he cannot take participation. ये जो है कि रबुल माल जो है वो सिर्फ पैसे प्रोवाइड करेगा या फिर मॉनिटर कर सकता है बिजनेस को, लेकिन वो उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकता. रब जो मुदारिब है उसने ही बिजनेस को जो है वो रन करना है. और अगली कंडीशन ये है कि कैपिटल जो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले प्रोवाइड किया जाता है वो नन भी होना चाहिए और सर्टेन भी होना चाहिए, ताकि बाद में जो है अनसर्टेनिटी क्रिएट ना हो. इस तरह फिर अगली जो कंडीशन है वो प्रॉफिट से रेलेवेंट है, कि प्रॉफिट जो है उसकी रेशियो जो है वो जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेट होनी चाहिए और वो जो रेशियो है वो कैलकुलेट होगी जो प्रॉफिट जो है जनरेट हुआ है, ना कि जो कि प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ है उसके ऊपर जो है रेशियो कैलकुलेट होगी, ना कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है रेशियो कैलकुलेट होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉफिट 40,000 है और रेशियो 20% सेलेक्ट हुई है मुदारिब के लिए, तो वो 40,000 के ऊपर जो है 20% जो है कैलकुलेट होगा. और इस तरह 80% जो है अगर रबुल माल को देने हैं तो फिर वो 40,000 का 80% निकाला जाएगा. लेकिन अगर मैं ये देखूँ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूँ कि
रबुल माल जो है कैपिटल जिसने प्रोवाइड किया उसने तो 20,000 दिया है, तो मैं कहती हूँ कि 20,000 जो है वो मैं उसका 80% निकाल लूँगी, तो ये गलत हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर परसेंटेज नहीं निकालनी, बल्कि जो प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है उसके ऊपर जो है प्रॉफिट की रेशियो अप्लाई होंगी। सो दीज आर द कंडीशन रेलेवेंट टू द प्रॉफिट रेशियोज, एंड देर आर ऑल्सो कंडीशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिट रेशियो सच एज दैट द रेशियो शुड बी डिफाइंड एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट इज़ नॉट डिफाइंड देन द 50-50% बोथ विल शेयर इफ प्रॉफिट जनरेट्स। इफ लॉस कम देन द लॉस विल बी बॉर्निंग बाय बोथ पार्ट बाय द बोथ पार्टीज एज द रबुल माल विल बियर ऑल द लॉस रिलेटिंग टू द कैपिटल एंड मुदारी विल नॉट रिसीव एनी अमाउंट अगेंस्ट हिज एफर्ट और स्किल्स और एक्सपर्टीज। सो दिस इज द कंडीशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दिस रेशियो कैन बी चेंज ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द बोथ पार्टीज। और देर आर ऑल्सो सम सिचुएशंस, फॉर एग्जाम्पल इफ मुदारिब टेक ऑल द प्रॉफिट एंड डू नॉट गिव एनी थिंग टू रबुल माल, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुदारबा विल नॉट बी कंसिडर वैलिड हनाफी सेज दैट हनाफी एंड हमली सेज दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लोन, बट शाफी सेज दैट नो दिस विल बी कॉल्ड द इनवैलिड मुदारिबा, इट विल नॉट कन्वर्ट इन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लोन बट इट इज़ द इनवैलिड मुदारिबा। Another situation in which it is says that all the profit is given to investor, then this is the ifda, you can say the mudari gift to the rabul mal, if the agreement charitable action aap ise keh sakte hain। सो प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के बाद, और फिर बाद में इन दोनों पार्टीज़ में शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन एक मसला ये भी है कि लॉस अगर होता है तो फिर तो डिपॉजिटर्स जो हैं वो इस्लामिक बैंक के अंदर पैसा जमा नहीं करवाएंगे लॉस के डर से। तो अब उसके लिए मलेशिया के अंदर एक वो प्रैक्टिस शुरू हुई है पार की, इसको कहते हैं प्रॉफिट इक्वलाइजेशन रिज़र्व। इसमें ये होता है कि जिस मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो रिज़र्व के तौर पर रखा जाता है, और जब फॉर एग्जांपल अगर अगले महीने लॉस होता है तो वो जो रिज़र्व की अमाउंट है उसमें से निकाल के जो डिपॉजिटर है उसको दे दिया जाता है, उसका मुदारिब जो है वो कुछ नहीं लेता, जो रिज़र्व की अमाउंट है उसमें से फिर डिपॉजिट। इससे ये होगा कि जो डिपॉजिटर हैं वो इस्लामिक बैंक से किसी दूसरे बैंक में स्विच नहीं करेंगे। तो ये प्रैक्टिस शुरू हुई है प्रॉफिट इक्वलाइजेशन रिज़र्व की। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो रिलेटिंग टू द वो है मुदारबा, उसमें यह है कि अगर तो आपका इन अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा है और उसमें अगर कोई रबुल माल कंडीशन लगाता है तो वो कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाएगा जिससे जो मुदारिब है उसको काम करने में दिक्कत हो, बिज़नेस को चलाने में मुश्किल हो। मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकता जिसमें ये लिखा हो कि मुदारिब जो रबुल माल जो है कैपिटल वो भी पार्टिसिपेट करेगा बिज़नेस में, इससे भी मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। और अगर रिस्ट्रिक्टेड मुतारबा है तो फिर अब मुदारिब को उस रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चलाना है। अगली जो कंडीशन है वो
अब जो कंडीशन है, लास्ट जो कंडीशन है वो है कमोडिटी से रेलेवेंट है। कुछ स्कूल ऑफ थॉट जैसे हनाफी और हम्बलीज कहते हैं कि जो है ना मुदारिब जो है वो जो बिजनेस चलाएगा तो वो जो ट्रेडिंग करेगा वो सिर्फ ट्रेडिंग के अलावा वो दूसरी कमोडिटीज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कर सकता है। मेजोरिटी का ये कहना है कि जो सिर्फ ट्रेडिंग जो है ना उस जो मुदारी की जो स्किल एक्सपर्टीज़ हैं वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ होंगी, दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए अदर देन जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा मुदारी। लेकिन हनाफीज और हम्बलीज कहते हैं कि नहीं, वो ट्रेडिंग के अलावा दूसरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और मुदारबा कर सकते हैं और उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो भी शेयर किया जा सकता है। और अगर हम देखें आज के बिज़नेस की सिचुएशन को तो आज भी जो है ट्रेडिंग जो है वो उसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को अब कवर करती है जिसके अंदर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर भी आ जाता है। तो इस लिहाज से मॉडर्न अगर बिज़नेस ट्रांजेक्शन को देखा जाए तो वो हनाफीज और हम्बलीज की जो राय है वो उस पर इतफाक़ किया गया है क्योंकि इसके ऊपर अमल करना आसान है। मुदारबा जो है वो ट्रेडिंग के अलावा अब तो एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री सारी चीज़ें जो हैं वो मुदारबा के अंदर आ जाती हैं।